सांसद आदर्श ग्राम चयनित मारखम ग्रांट में विभिन्न विभागों की योजनाओं की कार्य योजना के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए, जिसमें समाज कल्याण, वन, सिंचाई, कृषि, उद्यान आदि विभिन्न विभागों के लिए ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्यों ने विभिन्न प्रस्ताव दिए, जिसमें ग्राम प्रधान अमरजीत कौर ने ग्राम पंचायत में बैंक, सिटी बस सेवा, ATM, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि का प्रस्ताव रखा। अन्य सदस्यों ने अपने वार्ड में आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, सरकारी स्कूलों की मरम्मत आदि की कार्य योजना अधिकारियों के सामने रखी। खंड विकास अधिकारी जगत सिंह ने बताया कि सांसद आदर्श ग्राम में विभिन्न विभागों की कई योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा, जिसको लेकर पहली बैठक ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों के साथ की गई है। जैसा कि विदित है, पूर्व में भी मीडिया में खबर आती रही है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए निशंक जी के द्वारा मारखम ग्रांट को सांसद आदर्श ग्राम घोषित किया गया है और जिला प्रशासन के निर्देश के क्रम में आज यहां पर ग्राम विकास योजना BDP तैयार करने के लिए एक बैठक की गई है। तो इसमें जो मुख्य बिंदु रहे हैं, जो यहाँ पर बेसिक ज़रूरतें हैं, उसी पर चर्चा की गई है और लगभग सभी विभागों को हमने यहाँ पर योजना चढ़ाई है। आज हमारे सांसद पोखरिया मिशन जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनके द्वारा हमारी पंचायत का चयन आदर्श ग्राम में किया गया है और उन्हीं के द्वारा हमारे ब्लॉक अधिकारियों के साथ मीटिंग रखी गई है, जिस मीटिंग में योजनाओं के प्रस्ताव दिए गए हैं। रमेश पोखरिया निशंक जी जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके द्वारा हमारी मारखम ग्रांट को सांसद आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किया गया था। उसी विषय में आज ब्लॉक के अधिकारियों के साथ हमारी विभिन्न विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है कि ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो कि ग्राम पंचायत में नहीं हैं, उन पर चर्चा की गई और सभी वार्ड सदस्यों के द्वारा भी यहां पर प्रस्ताव दिए गए। यह प्रस्ताव अब जिले में जाएंगे और उन पर तुरंत कार्रवाई होगी और विकास के कार्य आगे बढ़ेंगे।